गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे राजनीतिक आंदोलन में, इतिहास में राजनीतिक आंदोलन में हम लोग साइमन कमीशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो साइमन कमीशन के दौरान ये अंग्रेज अधिकारी सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक साइमन कमीशन बनाया गया। उनमें 7 सदस्य शामिल थे और भारत की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए अंग्रेज सरकार ने ये कानून बनाया था। इसीलिए लाला लाजपत राय ने इसका भयंकर विरोध किया, तो अंग्रेज सरकार ने उसको ऊपर लाठियों से पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी। उस टाइम में लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था कि मेरे सिर पर पड़ने वाली एक एक लाठी और अंग्रेजों के कफन की कील बनेंगी। इस बात का पता और अपने प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसको हम लोग कह सकते हैं भगत सिंह को चला। किसको चला? भगत सिंह को चला। तो भगत सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी सांडर्स की हत्या कर दी। तो उसे भगत सिंह को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी की सजा सुना दी। जब उसको फांसी की सजा सुनाई तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा कानून है, ऐसा नियम है कि जब जिस व्यक्ति को अगर फांसी दी जाती है तो फांसी के टाइम में उसको उसकी अंतिम इच्छा पूछते हैं। तो भगत सिंह को बुलाया अंग्रेज सरकार ने और बुला करके पूछा कि बताओ तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो भगत सिंह हंसने लगा और हंस करके उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं दोबारा इस धरती पर जन्म लूँ, इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लूँ और मैं अंग्रेजों के हाथों और फांसी खाऊं। ये बात सुनकर के और अंग्रेज सरकार के और पैर है वो कंपकपाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आज देखो मेरी एक माता रोएगी, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान यूं ही गुलाम होता गया तो कई हजारों माताओं को रोना पड़ेगा। ये बात सुनकर के उसी दिन से और अंग्रेजों का अपने भारत देश से ही और पलायन शुरू हो गया था कानून के अनुसार अगर हम लोग माने तो। इसके बाद में साइमन कमीशन के बाद में अगला जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये अपना है सैविन्य अवज्ञा आंदोलन। सैविन्य अवज्ञा आंदोलन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर में और पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग का मतलब होता है कि हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी कैसी चाहिए? हमें पूर्णतया आज़ादी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने भी ये बात कही थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। उसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये पूर्ण स्वराज्य की मांग की। पूर्ण स्वराज्य की जब मांग की तो उसी टाइम में और महात्मा गांधी के नेतृत्व में और एक राष्ट्रीय आंदोलन किया गया था। ये था आप जिसको हम लोग कह सकते हैं दांडी यात्रा, या उसको हम लोग दूसरी भाषा में बोलेंगे नमक यात्रा। ये देखो क्या था बेटा, दांडी यात्रा या नमक यात्रा 1930 ईस्वी में। उस टाइम में नियम ये था कि अंग्रेज सरकार की बिना अनुमति भारतीय लोग नमक भी नहीं बना सकते थे। जो कितना जबरदस्त जिसको हम लोग कह सकते हैं दबाव हिंदुस्तान के ऊपर एक विदेशी जाति का, जो एक शासन करने के उद्देश्य मतलब एक व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन यहाँ के देशी शासकों की कमी की वजह से और इन्होंने कानून और नियम इतना ताकतवर बना दिया। क्या बना दिया? कि यहाँ पर नमक भी भारतीय लोग अंग्रेजों की अनुमति के बिना नहीं बना सकते थे। तो महात्मा गांधी ने 78 सदस्यों का एक दल बनाया, अपनी एक टीम बनाई। कितने सदस्यों की? 78 सदस्यों की। और अपने क्षेत्र से यानी गुजरात में काठियावाड़ जिले में पोरबंदर नामक स्थान पर और इस महान व्यक्ति को, महात्मा शब्द का मतलब होता है महान व्यक्ति, यानी इसने वहाँ से 78 सदस्यों के साथ मिलकर के 200 मील दूर और वहाँ पर एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है दांडी गांव। वहाँ पर जाकर के इन्होंने नमक बनाया और इस नमक कानून को, अंग्रेजों के द्वारा जो नमक कानून बनाया गया इस नमक कानून को इन्होंने तोड़ा।
इसको बोला जाता है दांडी यात्रा या नमक यात्रा। इसके दौरान इन्होंने और भारतीय लोगों ने इसके अंदर और क्या क्या राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कि महिलाओं ने जो शराब के जो दुकानें थी इस शराब की दुकानों पर धरना देना शुरू कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया गया, यानी ऐसे करके और भारत देश है वो धीरे 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 और आज़ादी के कगार पर जा रहा है। इसके बाद में देखिए आप लोग अगला जिसको हम लोग कह सकते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक समझौता हुआ था, इस समझौते को भारतीय इतिहास में गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। क्या बोला जाता है देखिए गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में, क्या 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता। एक इरविन एक अंग्रेज अधिकारी था और महात्मा गांधी के बीच में 1931 ईस्वी में एक समझौता हुआ। समझौता क्या था, किस चीज का समझौता था, समझौता था कि भारत देश को और एक स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा मिलना चाहिए। अब इस अंग्रेज अधिकारी ने देखो अब अंग्रेज जो लोग हैं वो धीरे धीरे और अब मतलब उसके पैर कब कपा रहे हैं, यानी इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को देख करके इस क्रांतिकारियों को देख करके, तब महात्मा गांधी की बात ये महात्मा गांधी और इस महात्मा गांधी की बात ये कौन मान गए, ये अंग्रेज लोग हैं वो धीरे धीरे मानना शुरू कर दिया। इसलिए इन्होंने इसके बीच में एक समझौता कर लिया महात्मा गांधी के पास में आकर के कि आप लोग क्या चाहते हो हम लोगों से। तो महात्मा गांधी ने उस टाइम में देखो शांतिपूर्ण तरीके से और देश को आज़ाद कराने की सोच रहे हैं महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम लोग और इस भारत देश को और स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा चाहते हैं, तो उन्होंने यस कर दिया, जिसको भारतीय इतिहास में गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते के बाद में एक राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में उर किया गया था जिसका नाम था क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह है आंदोलन, क्या नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का मतलब है कि आंदोलन एस महात्मा गांधी ने कहा कि अब जो आंदोलन किए जाएंगे वो आंदोलन पूर्णतया व्यक्ति विशेष यानी व्यक्ति कहने का मतलब ये है कि लड़ाई करना झगड़ा करना ये मतलब उसे कोई आश्वासन देना ये कुछ भी नहीं चलेगा। जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि जेल भरो आंदोलन, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो उसी टाइम में और इस महात्मा गांधी ने और ये आंदोलन चलाया जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। कि सत्याग्रह शब्द का मतलब होता है यहाँ पर कि सत्य के लिए जो आंदोलन किया जाएगा, सत्य का आग्रह किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को और क्या किया जाएगा, अब अंग्रेज सरकार के द्वारा एक बोल रहे हैं कि जेल में डाल दिया जाए। पहला व्यक्ति था विनोबा भावे जिन्होंने इस अंग्रेज सरकार के हाथों और अपने यानी ये जेल में गया और लगभग 3 माह तक और ये जेल में रहे। कौन, विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे, पहले क्रांतिकारी जिसको हिंदुस्तान का हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन सफल हुआ, गांधी इरविन समझौता सफल हुआ, दांडी यात्रा सफल हुई, जिसको हम लोग आप लोगों ने बताया नहीं कंटिन्यू तरीके से याद करना है। अगला जो जिसको हम लोग अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं ये है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या नाम है बेटा इस आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो देखो नाम से प्रकट हो रहा, उस टाइम में विश्व के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हुआ और 1945 ईस्वी तक चला। उसी के बीच में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया जिस आंदोलन को हम लोग कह सकते हैं सफल आंदोलन। उस टाइम में महात्मा गांधी को तो आप लोग ये बताऊंगा कि उन्होंने उग्र रूप ले लिया, लेकिन आप लोग इस बात को नहीं मानोगे, लेकिन इस आंदोलन के जरिए उन्होंने और एक नारा दिया था महात्मा गांधी ने,
करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारतीय जनता से, और एक अपील की कि अब आप लोगों को क्या करना है, यानी करो और मरो, यानी अंग्रेजों को आप लोग मारना शुरू कर दो उसी टाइम। और चार चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए, और ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, इनको बंद कर दिया जाए, हॉस्पिटलों को बंद किया जाए, और जगह यानी पूर्ण साम्राज्य की मांग कर दी जाए कि भाई जैसे तैसे भी होकर के हम लोग और पूर्णतया ये हिंदुस्तान है, ये आज़ाद होना चाहता है। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए, देखो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन कि अंग्रेजों अब आप लोगों को और क्या करना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम में पूरा विश्व है ये युद्ध के कगार पर था, युद्ध लड़ रहा था, और भारतीय जो क्रांतिकारी थे, जो सैनिक जिसको हम लोग कह सकते हैं, जवान जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसकी भुजाएं फड़क रही थी कि जैसे तैसे भी करके और हम लोग आज़ादी के कगार पर ही चले जाएं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में आंदोलन हुआ, आंदोलन पूर्णतया सफल हुआ, और इसके बाद में सन 1947 ईस्वी में और अपना भारत देश ही आज़ाद हो गया। इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों के पूरे हुए। अगली क्लास में आप लोगों को मैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इतिहास में आगे पढ़ाऊंगा। ओके बेटा।